ये कॉरिडोर है, ये मेरा रूम है, 205 रूम नंबर, कैदी नंबर 205। दिस इज माई रूम। वैसे तो मैंने पैकिंग कर दी है, 50-60% पैक कर दिया मैंने अपना सामान, बाकी ये ऊपर ऊपर का सामान बचा हुआ है। सो हमें रूम पे मिलता है एक टेबल, एक चेयर, ये तो मैंने किसी रूम से उठाई हुई है, मेरी नहीं है। एक मिनट में फैन ऑफ कर दूँ। हाँ, सो हमें मिलता है एक टेबल, एक चेयर, ये मैंने कहीं से ली हुई है, एक अलमीरा, एक वॉल अलमीरा, और एक बेड, और एक ये इसमें अपना सामान रख सकते हैं कोई भी। बस ये मिलता है हमें रूम पे। नीचे मैंने अपना सामान रखा हुआ है, ऊपर लैपटॉप में कोई काम होता है तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, ये मेरी फ्रेंड और मेरे हाथ हैं, ये मैंने बनाया हुआ था पिछली बार, यही है, ये मैंने पहले बनाया था। पढ़ाई करनी होती तो मैं इस टेबल पर करती हूँ, और ये अलमीरा मिलती है हमें, इसका भी मैंने सामान पैक कर दिया। वैसे तो बचा कुचा ही सामान है जो मैं 3-4 दिन तक मैं यूज़ करूँगी, वही है। ये लाइट्स हैं यहाँ पे, आप गलत मत समझ जाना, लाइट नहीं है। घर के लिए ली हुई थी बट ले जा नहीं पाई मैं, तो अब रूम पर रखूंगी। ये जो रूम हमने देखा हुआ है ये वहाँ की है, और हमने वहाँ चारपाई वगैरह लगवा दी है, तो हम 2-4 दिन में वहाँ भी चले जाएंगे। देन फिर ये वॉल अलमीरा मिलती है, इसको भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कुछ सामान पैक किया है जिसमें मेरे कपड़े हैं, और इसमें भी कुछ है। ये अलमीरा है ऐसे, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, बड़ा बड़ा सामान यहाँ आ जाता है, तो मैंने पैक कर दिया सारा। कंबल बचा हुआ है, थोड़ी पेटी यहाँ भी है। बस फिर एक ऊपर भी है, कोई बड़ा बड़ा सामान जो आप यूज़ नहीं करते हैं बस रखा रहता है वो वहाँ डाल सकते हैं, अपने बैग वगैरह वहाँ रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मंदिर है अपना, और यहाँ का सामान मैंने निकाल दिया, छोटा मोटा सामान रखा हुआ था, ये मेरी चारपाई है। फिर यहाँ से दिखता है बाहर का व्यू थोड़ा बहुत। यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है ठंडियों में, खास करके क्योंकि यहाँ पे धूप रहती है 11 बजे तक। सो 9 से 11 बजे तक पढ़ने पे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठ करके। बस यही है मेरे रूम पे, और तो कुछ नहीं है। यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे टॉवल वगैरह लगे हैं मेरे, यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो लगी हुई है, 2 लाइट्स मिलती हैं, और ये वाली लाइट अगर ख़राब हुई तो खुद लगानी पड़ती है, और अगर ये वाली लाइट ख़राब हो जाए तो ये रिपेयर कर देते हैं, मतलब दूसरी चेंज कर देते हैं। फिर ये फ़ैन है, अगर ये भी कुछ ख़राब हो जाता है तो हॉस्टल वाले ठीक कराते हैं। देन फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड और मेरी फ़ोटो रखी हुई है। इसके पीछे एक और फ्रेम है, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको कौन सा फ्रेम है वो। बस यही था मेरा, इस कोने पे डस्टबिन रखा हुआ है। सो आप कमेंट करके बताना आपको मेरा रूम कैसा लगा, जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ की इस हॉस्टल रूम की ये है कि एक रूम पे सिर्फ एक ही लड़की रहती है, तो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई हल्ला नहीं, किसी रूममेट से लड़ाई का डर नहीं, ना हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, बस अपना रूम है, अपना रहो। ओके, बाय बाय।